सिंप्लीफाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 5। तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो न्यूमरेटर में हमारे पास में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। तो क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? तो सी, हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 को वी कैन राइट, अगर मल्टीप्लीकेशन की इसे ब्रेक करें तो ये लिख सकते हैं 1 × 10 या फिर 5 × 2। इन दो ही फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। और 7 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं अगर हम एडिशन की फॉर्म में ब्रेक करेंगे? तो ये लिखा हुआ है 5 + 2 या फिर 3 + 4। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक क्या है, 5 और 2 का एक पेयर है और यहाँ भी 5 और 2 का पेयर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 और 2 के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो एक जगह वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। तो अब 5y² प्लस 5y में से हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले लेंगे। तो ये जगह क्या, y प्लस 5 और फिर प्लस में क्या करेंगे, 2y प्लस 10 में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज y प्लस 5। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 2 इंटू y प्लस 5, ये वैल्यू हो गई। नाउ अब इसी हो गए, फैक्टर्स हो गए, तो y प्लस 2 इंटू y प्लस 5। अब हमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? तो हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो थी वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 5। तो इसके फैक्टर्स क्या कर रहे थे हमने, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जाएंगे वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 और अपॉन में क्या जाएगा, वाई प्लस 5। तो अब ये क्या होगा, वाई प्लस 5 से वाई प्लस 5 को हम डिवाइड कर देंगे, ये क्या होगा, कट डाउन हो जाएगा। वैल्यू क्या बची हमारे पास में, ओनली इट इज इक्वल टू वाई प्लस 2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वाई प्लस 2 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने जो सिंप्लीफाई किया तो क्या बचा सिंप्लीफाई करने पे, ओनली वाई प्लस 2।